हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला शेयर मार्केट ब्लॉग। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्विच लोन एनर्जी की, जिसमें कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि इसकी क्रिसिल्स में रेटिंग जो बढ़ गई है, और इसकी न्यूज़ अभी 7 घंटे पहले ही आई है। तो इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक हफ्ते की इसके हाई लो की बात की जाए तो एक हफ्ते में इन्हें 0.44% का नीचे वो सर्किट लगाया है, और एक महीने की रिटर्न की बात की जाए तो इन्हें 9.25 के बाद इन्हें 2-3 दिन तो सर्किट लगाया, बाद में मुनाफा वसूली हुई। तो गाइस, मैं वो न्यूज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि अभी आई है। बिजनेस स्टैंडर्ड में जो इसकी न्यूज़ आई है वो आप देख सकते हो कि इस टाइम जो 7 घंटे पहले इसकी न्यूज़ आई है। तो गाइस, आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखें और आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि सुजलोन एनर्जी को बैंक सुविधाओं के लिए रेटिंग मिली, जो कि सुजलोन एनर्जी जो कि इसकी बैंक सुविधाएं पहले जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो इसके कारण मिल नहीं रही थी, लेकिन अब इसे क्रिसिल्स में से देख सकते हो। सुजलोन एनर्जी ने घोषणा की कि क्रिसिल ने सुजलोन एनर्जी की ऋण सुविधाओं को अपने क्रिसिल्स PPC क्रिसिल्स A3 रेटिंग अनुसार सौंपी है। कुल बैंक ऋण सुविधा रेटेड 8,581 करोड़ रुपए की जो इसे रेटिंग दी गई है, आप ये देख सकते हो, जो कि इसका इम्पैक्ट जो मंडे को पड़ेगा, और ये ज़रूर सर्किट लगाने की उम्मीद है, नहीं तो ये 2-4% का ऊपर ही लगाया। तो गाइस, इस शेयर को आप लंबे समय तक के लिए रखें और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप इसका एक भी शेयर ना बेचें। और इसके जो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट जो कि डिक्लेयर हो चुके हैं। तो गाइस, इसमें ज़्यादा अभी वो जल्दबाजी ना करें, और आने वाले समय में अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ सकता है। तो गाइस, ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में